बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जैन समाज को पर्युषण पर्व की दी बधाई। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में आदिनाथ जैन मंदिर तुलसी नगर में भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाया गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर समस्त जैन समाज को बधाई दी। इस अवसर पर लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी उपस्थित थे। वहीं जब उनसे प्रदेश में लॉटरी और सट्टे को वैधानिक करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां हैं जिसमें समाज का लाभ हो, सरकार के निर्णय में मैं भी हमेशा उनके साथ हूँ। लॉटरियां यहाँ कई प्रकार की चलती है, केवल उसका नाम ही लॉटरी दे दिया गया है, जिसमें समाज का लाभ हो और धनोपार्जन किया जा सके, ऐसा कार्य हमें हमेशा करना चाहिए। महावीर स्वामी जी का जन्म दिवस है तो आज जन्मोत्सव पर उन्होंने मुझे अतिथि के रूप में बुलाया, मैं गई और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे अवसरों पर मुझे बुलाया। धार्मिक उत्सव है, आध्यात्मिक उत्सव है, ऐसे उत्सवों से हमारे देश की संस्कृति सदैव जीवित रहती है और हमारा देश सदैव उल्लासित रहता है, और इसलिए आज मैं यहाँ आई थी। समाज को जागरण करना, राष्ट्र का जागरण करना ये मेरा कर्तव्य है, तो मैंने उसी प्रकार से सबके अपने प्रवचनों में वही बात की। मध्य प्रदेश सरकार लॉटरी जो चालू करने जा रही है, सट्टे को वैधानिक करने जा रही है, उनकी नीतियां हैं जिसमें समाज का लाभ हो वो कार्य वो प्रारंभ कर रहे हैं और मैं साथ में। अभी कोरोना के समय में जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति डगमगाई है उसका रूप दूषित नहीं करना चाहिए, परंतु लॉटरी किस कई प्रकार की यहाँ चलती हैं, लॉटरी का नाम एक दे दिया है परंतु कई प्रकार की लॉटरी होती है, उसमें अच्छा जो हो, इसमें समाज को लाभ हो, धनोपार्जन हो और समाज अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, समाज की सेवा हो सके, ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए। परेशानी अभी कम हुई है, खत्म नहीं। कृपया मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाडा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।